जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, वंदे मातरम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका स्वागत है सर्विस क्लासेस केजीजी में। बीपीएससी शिक्षक भर्ती एडुटेरिया मॉडल प्रैक्टिस सेट टू। आपको पता है कि एडुटेरिया का बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक को लेकर 15 मॉडल सेट की एक पुस्तक मार्केट में आ चुकी है, और जिस पुस्तक का ये सेट नंबर टू है। और ऐसा डिस्कशन कहीं और का YouTube के किसी भी चैनल पर इसके टक्कर कहीं इसका 10% भी डिस्कशन मिल जाए तो फिर आप मेरे वीडियो को मत देखिए, क्योंकि हर जगह सिर्फ एक का भी दो का सी ही कराया जाएगा। ये एक लौता आपका ऐसा चैनल है सर्विस क्लासेस केजीजी, जहां आपको इसका डिटेल डिस्कशन मिलेगा। और हमारा तो नारा ही है कि शिक्षक तो बने के बाद। और आपको पता है कि हम आपको किरण पब्लिकेशन का प्लेटफॉर्म का, एडुटेरिया का, डॉक्टर रंजीत कुमार आईएएस का, विभिन्न संस्थानों का मॉडल प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, सर्विस क्लासेस केजीजी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज अपना सेट नंबर टू। सेट नंबर टू पूरा डिटेल डिस्कशन के साथ। और आपका भाई बहुत बार क्या है, बीपीएससी के बहुत एग्जाम में, दो तीन एग्जाम में क्वालिफिकेशन के बाद आपके बीच उपस्थित हुआ है। और साथियों, करेंट अफेयर का भी ये क्लास आपको मिल जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती बिहार एक्साइज दरोगा 69 बीपीएससी स्पेशल हर के लिए ये अर्धवार्षिकी सीरीज, इसका भी मॉडल सेट 1-5 और 6-7 आपको प्रोवाइड है, और दो सेट बचा है वो आपको आज ही उपलब्ध हो जाएगा। ओके साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्यारा क्लास मॉडल प्रैक्टिस सेट टू, पूरा डिटेल डिस्कशन के साथ। यकीन मानिए, इतना डिटेल डिस्कशन आपको कहीं और किसी और वीडियो में नहीं मिलेगा। उसके बाद टू के बाद हम लोग थ्री भी करेंगे, लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे, तो पहले हम लोग टू को करेंगे। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। आपको कल ही बताए थे सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है ये आपका क्या है, तो साथियों कांस्ययुगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है, कांस्ययुगीन सभ्यता है। ओके, कैसी सभ्यता है, तो कांस युगीन सभ्यता है। और कासा किसका मिश्रण है, तो कासा तांबा प्लस टीन का मिश्रण है। ओके, तो सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था, तांबा का। और सिंधु घाटी का जो प्रसिद्ध नगर था वो था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है क्या चीज साथियों, तो मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। और इसी स्थल से क्या मिला है, तो विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। और विशाल अन्नागार भी कहां से मिला है साथियों, तो विशाल अन्नागार भी आपको मोहनजोदड़ो से ही मिला है। लोथल इसका क्या था, तो बंदर गानगर था लोथल। कालीबंगा से क्या मिला है साथियों, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं, कालीबंगा से। और हड़प्पा से क्या मिला है, हड़प्पा से मिला है R-37 समाधि। और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध स्थल है। उसके बाद आपका है मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो से मिला है कंस की प्रतिमा, क्या मिली है, कंस प्रतिमा मिली है। ओके, और नृत्य करती हुई महिला की कंस प्रतिमा मिली है। ये सभी इतना डिटेल आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको बाकी जगह जाइएगा, विशाल स्नानागार कहाँ है, मोहनजोदड़ो, और उससे काम होगा नहीं। इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसकी है, इंडिका आपको पता है मेगास्थनीज की रचना है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन मेगा स्थनिज कौन था, तो मेगा स्थनिज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। क्या था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। और सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना का विवाह किससे हुआ था, हेलेना का विवाह हुआ था आपको, हेलेना का विवाह हुआ था कौटिल्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य से, चंद्रगुप्त मौर्य से। और जब विवाह हुआ तो दहेज में दुभाषिया के तौर पे कौन आया, मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने जब भारत की वैभव को देखा, मगध के वैभव को देखा, इसने पुस्तक लिखी, और उसका पुस्तक का नाम था इंडिका। और इंडिका में मेगास्थनीज भारतीय समाज को 7 वर्गों में बटा बताता है, कितने वर्गों में, 7 वर्गों में बटा बताता है मेगास्थनीज किसे, तो भारत को। ओके, पूरा वैभव है इंडिका। भारत और 10 राजाओं के बीच दस राज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में साथियों, 7वें मंडल में। ओके, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है। कहता है किस नदी के तट पर हुआ था, यह हुआ था पुरुषनी नदी के तट पर, जिसका अभी वर्तमान में नाम क्या है, रावी नदी।
तट पे। और इसमें कौन जीते थे? तो इसमें जीते थे राजा सुदास की विजय हुई थी। ओके, और सूत्रादि किसका पुराना नाम है ऋग्वेद में? तो इसका सतलज का। चिनाब का पुराना नाम क्या है? तो वितिष्ठा। और वितिष्ठा अभी सम्मेलन में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में। और विपाशा किसका पुराना नाम है? तो व्यास का। ओके, ये सब आपको याद होना चाहिए, पूछ देता है एग्जाम में। और इतना डिटेल आपको कोई कराएगा नहीं, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। कहता है 1563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म जो है 1563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में हुआ। और ये इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? रुमन देई अभिलेख से मिलती है, और अपने कार्यकाल के 20वें वर्ष में किसने, अशोक ने साथियों, अशोक ने क्या किया था? तो इसका दौरा किया था, और यहाँ इसको क्या किया था, लुम्बिनी भूमि को कर मुक्त कर दिया था। अशोक ने क्या किया था? कर मुक्त कर दिया था। पूरा डिटेल बता दिए। कुंडल ग्राम वैशाली में किसका जन्म हुआ था? भगवान महावीर का। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। ओके, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी, इनकी मौसी थी। माया, महामाया देवी इनकी क्या थी, माता थी, जिनके जन्म के 4 दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई। कुशी नगर में इन्हें क्या प्राप्त हुआ साथियों? तो निर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण मतलब मोक्ष, इनकी मृत्यु हुई। राजगिरी में जो हुआ था, प्रथम बौद्ध संगति हुआ था, और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति राजगिरी के में कहा? तो पीपल के वृक्ष के नीचे। कहां पे? तो रिजु पालिका नदी के किनारे। रिजु पालिका नदी के किनारे। इतना कौन कराएगा साथियों? विक्रम संवत का आरंभ कब माना जाता है? देखिए, हिंदुओं का संवत कौन है? विक्रम संवत है। इसका आरंभ माना जाता है 57 ईस्वी पूर्व में। और इसे किसने चलाया था? तो राजा विक्रम में चलाया था। इसने क्यों चलाया था? तो शकों का अंत करने के उपलक्ष्य में चलाया गया था। भारत सरकार का 78 ईस्वी पूर्व का शक संवत, इतना डिस्कशन बुक में भी नहीं है। और यह शक संवत किसने चलाया था? कनिष्क ने चलाया था। और इसे ये इस सही सम्मत को कौन मानता है आपका? तो भारत सरकार। ओके, तो ये सब डिटेल। हम गुप्त शासकों के शासकीय राजकीय भाषा क्या थी? गुप्त शासक, गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्री गुप्त ने की। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। और इस वंश की प्रसिद्ध भाषा क्या थी? संस्कृत थी। संस्कृत में लोग क्या करते थे? वार्तालाप करते थे। इसे संस्कृत का क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग। क्योंकि इसी समय संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कौन थे? कालिदास थे। ओके, किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। और पाली जो है इसमें क्या है? तो बौद्ध उपदेश पाली भाषा में है। और जैन उपदेश किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। और हिंदी का विकास तो क्या हुआ? 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। राजा अकबर के शासन काल तक आते आते हिंदी पूर्ण रूप से विकसित हुआ। और ब्रज भाषा में जो रामचरित मानस है, उसकी रचना भी हिंदी ब्रज भाषा में अकबर के काल में ही हुई थी। एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण, देखिए अजंता एलोरा की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। औरंगाबाद का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया? संभाजी नगर। ओके, और इसे किसने बनाया था? तो कृष्ण प्रथम ने बनाया था। लेकिन ये किस वंश का शासक था? राष्ट्रकूट वंश का। और इस वंश की स्थापना किसने की थी? तो दंती दुर्ग ने की थी। ओके, तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? आपको पता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ओके, और 17वां आक्रमण इसका प्रसिद्ध था, क्योंकि 17वां बार इसने किस पर आक्रमण किया था? सोमनाथ पर आक्रमण किया था। और सोमनाथ के सोने की दीवार सब लूट के ले गया था। कौन? महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी जब लूट के जा रहा था, तो खोखर जाट ने रास्ते में से लूट लिया था। और उसके बाद ये घायल हो गया। और जब ये पहुंचा कहां? जब ये पहुंचा अपने देश, तो वहां जाकर ये मारा गया। ओके साथियों, अगला है आपका, कहता है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत में जो है गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐबक का मतलब क्या होता है साथियों? ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा।
लेकिन ये खुद कबीर क्या बना, राजा नहीं बना, सुल्तान नहीं बना, और ये लाहौर ही में था। कहाँ था? लाहौर ही में था, और इसका मकबरा भी लाहौर में है। इसके बाद जो है शासक बनता है इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम, और ये किस वंश था? तो इल बड़ी तुर्क था ये, ठीक ना। और इसी ने इसी को दिल्ली संसद का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, और ये 1212 ईस्वी में दिल्ली संसद का क्या बना था? बादशाह बना था। ओके साथियों, पता है किस राजवंश ने दिल्ली संसद में सबसे कम समय तक शासन किया? आपको पता है खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया। ओके, और सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला आपका कौन था? तुगलक वंश, लगभग 96 वर्ष तक। और तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ओके, और खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो जलाल उद्दीन खिलजी। और ये लगभग कितने वर्ष तक? तो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक लगभग 30 वर्षों तक क्या रहा? 30 वर्षों तक दिल्ली पर इसका शासन रहा। इसी के प्रसिद्ध खिलजी वंश का प्रसिद्ध शासक कौन हुआ? अलाउद्दीन खिलजी। ओके साथियों, और अलाउद्दीन खिलजी ने ही सबसे पहले क्या देखा था? तो जोहर को देखा था। लेकिन सर्वाधिक जो इंडिविजुअल अगर कोई एक सुल्तान का कार्य हो तो वो कौन है? बहलोल लोदी है, जो कि कुल कितने वर्ष तक? लगभग 49 वर्ष तक दिल्ली संसद का शासक था, लोदी वंश का संस्थापक। और गुलाम वंश का संस्थापक बता दिए कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। तो इतना डिटेल कौन कराएगा साथियों? और डिटेल पढ़िएगा, रिलेट करके पढ़िएगा, तभी याद रहेगा, वरना सब भूल जाइएगा। अकबर के समय संपूर्ण, अभी हम लोग कौन का क्या कर रहे हैं? बीपीएससी शिक्षक भर्ती का सेट टू कर रहे हैं, बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक, बीपीएससी प्राथमिक शिक्षा क्राइटेरिया। बिहार के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सूबों में विभाजित था? अकबर के समय जो है संपूर्ण साम्राज्य 12 सूबों में विभाजित था। और अकबर ने बिहार को कब जीता था? 1575 में बिहार अभियान किया था, जीत लिया था। और 1580 में जो है मान सिंह को बिहार का क्या बनाया था? कुछ दिन के लिए सूबेदार बनाया था, ठीक है ना साथियों। और सर्वाधिक जो मुगल साम्राज्य में प्रांत था वो किसके समय में था? औरंगजेब के समय में था। कुल 21 मुगल प्रांत थे, ठीक है ना साथियों। क्योंकि जैसे कौन सही सुमेलित नहीं है, और आपको किताब में देखिएगा तो इसका दिया हुआ है 12, तो ये सब गलत है। किताब में बहुत सारा आंसर गलत है, पता नहीं इस बार एडिटोरिया भांग पी के क्वेश्चन में किताब छापा है। क्योंकि जैसे कौन सही सुमेलित नहीं है साथियों, कौन सही सुमेलित? पुर्तगाल कोचीन में था, सही है। और कोचीन में किसने बनाया? अबू अल कर्क ने जो है 1505 में कोचीन में अपनी फैक्ट्री बनाई थी। डेनिस ने त्रावणकोर में बनाया, सही है। डच ने मुसलीपट्टनम में बनाया, सही है। फ्रांसीसी ने कालीकट में बनाया, नहीं साथियों, फ्रांसीसी ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में खोली थी, अस्थाई फैक्ट्री। ओके साथियों, वैसे तो फ्रांसीसी लास्ट में सिर्फ कहां बच गया था? पांडिचेरी में बच गया था। और फ्रांसीसी को 1760 में बांडीवास के युद्ध में किसने? अंग्रेज ने बुरी तरह से हरा दिया था। और डच को किस युद्ध में हराया था? वेदरा का युद्ध, तब हुआ था 1759 में हुआ था। डेनिश लोग ऐसे ही बेच के चला गया, और पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन बिगेंजा से विवाह के बाद क्या हुआ था कि मुंबई मिल गया था अंग्रेज को। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम, देखिए, व्यापारिक उद्देश्य से तो कौन आया था? जॉन मिल्डे हनाल आया था। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। लेकिन कैसे आया था? ये स्थल मार्ग से आया था, स्थल मार्ग से। समुद्र मार्ग से भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। 1609 में पहुंचा, जहां अकबर के नाम का पत्र था, लेकिन यहाँ बादशाह बदल गया था, बादशाह को हो गया था जहांगीर हो गया था, ठीक है। जहांगीर को इसने लेटर पढ़ के सुनाया, और ये क्या जानता था? तो इंग्लिश और फारसी दोनों जाता था, तो जहांगीर ने इसे खां की उपाधि दी थी, कैप्टन खां की उपाधि दी थी। और 400 का मनसब भी दिया, और आगरा के किले में इसकी शादी भी करवाई थी। थॉमस रो दूसरा था जो कि आया था और जहांगीर के दरबार में गया था, और ये जो है जहांगीर से पूरी तरह छूट पाने में सक्षम रहा था। ओके, किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है? अब बेचारा को लंपट मूर्ख इसलिए कहा जाता है, ये था जहादार शाह। जहादार शाह को लंपट मूर्ख इसलिए कहा जाता है, किसकी? लाल कुबर नाम की बैसिया के साथ। किसके साथ? बैसिया के साथ इसका क्या था? संबंध था, और ये उसी बैसिया के बातों पर चलता था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख। फरुखसियर को क्या कहा जाता है? फरुखसियर को कहा जाता है घृणित कायर। और फरुखसियर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। ओके,
मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता है, रंगीला कहा जाता है, बेचारा हरम में रहता था हमेशा मोहम्मद शाह रंगीला। और मुअज्जम को क्या कहा जाता है, तो इसे बूढ़ा बादशाह कहा जाता है, बूढ़ा बादशाह कहा जाता है। ठीक है साथियों, इतना फैक्ट कौन कराएगा आपको, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था। देखिए बंगाल का अंतिम नवाब, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था साथियों, देखिए तो बंगाल में जो है सबसे पहले किसने, मुर्शीद कुली खान ने, कौन मुर्शीद कुली खान ने क्या क्या था, स्वतंत्र स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी और अपनी राजधानी किसे बनाया था, मुर्शिदाबाद को बनाया था। मुर्शीद कुली खान के बाद जो है कौन बना था साथियों, इसका दामाद अली वर्दी खान बना था। वैसे बीच में कोई और भी बना था तो उतना आप याद मत रखिए। अली वर्दी खान ने अंग्रेजों की तुलना किससे की थी, तो मधुमक्खी बिरनी के खोते से की थी। किससे बोला, ये मधुमक्खी का क्या खोता। और जो आखिरी नवाब था वो था आपका नजमुद्दौला, कौन था, नजमुद्दौला था। तो ओके साथियों, अच्छा नजमुद्दौला जो था ये तो पूरी तरह से अंग्रेज का हाथ का पुत्री था, हमें लगता है सैफुद्दौला होगा, ये क्वेश्चन गलत है। सैफुद्दौला कब से रहा था, 1767 के बाद जो है ये बना होगा। ठीक, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना किसने की, रचना किसने की थी साथियों, ये बी डी सावरकर ने की थी। और बी डी सावरकर ने 1904 में क्या किया था साथियों, तो मित्र मेला की स्थापना की थी, मित्र मेला। कहता है बेद समाज की स्थापना किसने की थी, तो बेद समाज की स्थापना की थी श्री धरलू नायडू ने, किसने की थी, श्री धरलू नायडू ने। ओके, एगो पूछा जाता आपका प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, एम जी रानाडे ने। पाइका विद्रोह का नेतृत्व किसके, और वेद समाज कहाँ किस क्षेत्र में स्थित था, तो दक्षिण क्षेत्र में। पाइका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया साथियों, बक्सी जगबंधु ने। पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था साथियों, ये आंध्र प्रदेश में 1718 से लेकर 1917 से लेकर 1918 तक हुआ था, और कहाँ हुआ था, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के क्षेत्र में। ठीक ना साथियों, कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, बंगाल गजट जेम्स अगस्त सैक्की, बिल्कुल सही है। और ये पहला समाचार था 1780 में छपा था, सोम प्रकाश चंद्र विद्यासागर, सही है। बंगबंधु राजा राम मोहन राय, उपयुक्त में सभी साहित्य सुमेलित है, और बंगबंधु जो है ये बंगाली भाषा का था राजा राम मोहन राय। ओके आइए आगे चलते हैं, कहता है भारत में विश्वविद्यालय कलकत्ता मद्रास तथा बंबई की स्थापना किस घोषणा के द्वारा किया गया था, चार्ल्स बुश डिस्पैच के द्वारा। ये कब हुआ था, 1858 में, और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है भारतीय शिक्षा का, भारतीय शिक्षा का मेगना कार्टा। और मैकाले घोषणा जो है 35 में आया था, इसमें अंग्रेजी को क्या है वृद्धि कर दिया गया था। रेले कमीशन का भी संबंध शिक्षा से था, और हंटर समिति का भी संबंध शिक्षा से ही था। भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है लॉर्ड कर्नवालिस को। और लॉर्ड कर्नवालिस ने क्या किया था 1793 में, मुंशीप से लेकर सब तक का क्या था, कार्यक्रम कर दिया था। ओके साथियों, निम्न से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई, सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाना, यह 1843 में हुआ था, लॉर्ड एलन मरो ने मिलाया था। प्रथम आंगल सिख युद्ध, ये 1848-49, तृतीय आंगल बर्मा युद्ध, और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1929 में आया था। ठीक, यही घटना क्या हुआ सबसे लास्ट में हुआ होगा। ओके साथियों, अब तृतीय आंगल वर्मा युद्ध 1885-86 में हुआ था, अतः क्या है, और ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया था। ये जो सबसे लास्ट में कौन हुआ था साथियों, तृतीय आंगल बर्मा युद्ध। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे, तो पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे, एम जी रनाडे और जेबी जोशी और एचवी चिवलंकर, ये तीनों का संबंध था। लेकिन ज्यादातर ऑप्शन जो आता है वो क्या आता है, एम जी रनाडे करके आता है। ठीक ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष
1988 में कहाँ बने थे, इलाहाबाद में बने थे, ठीक ना साथियों। अतः निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, 20 जुलाई 1905 को। लेकिन साथियों बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ, प्रभावी, और जो स्वदेशी आंदोलन है ये कहाँ कहाँ स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो 15 अक्टूबर 1905 को स्टार्ट हुआ था। ओके साथियों, 15 अक्टूबर 1905 को स्टार्ट हुआ था, और कहाँ स्टार्ट हुआ था साथियों, तो कोलकाता के टाउन हॉल में। और रविंद्रनाथ टैगोर ने 16 अक्टूबर को, रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर कौन सा दिवस मनाया गया था, तो रक्षा बंधन दिवस मनाया गया था। लॉर्ड कर्जन, लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने कर दी थी, लंदन में कर्जन वायली की हत्या कर दी थी मदन लाल ढिंगरा ने, किसने कर दी थी, और कर्जन वायली कौन था, तो लॉर्ड मिंटो का, लॉर्ड मिंटो का सलाहकार था, लॉर्ड मिंटो का सलाहकार था, सलाहकार। और आपको पता है लॉर्ड मिंटो ने भारत में क्या लाया था साथियों, तो लॉर्ड मिंटो ने भारत में जो है क्या लाया था, तो वही मुस्लिम के लिए सांप्रदायिक पंचांग लाया था। उद्धम सिंह ने जनरल ओडायर की हत्या की थी 1940 के अंदर जाकर, और जलियांवाला बाग हत्याकांड का क्या लिया था, तो बदला लिया था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, देखिए असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पहले सी आर दास ने क्या किया था, मना किया था, लेकिन बाद में सी आर दास के द्वारा ही, किसमें, तो नागपुर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन 1920 में गांधी जी द्वारा इन्हीं से प्रस्ताव पेश करवाया गया था। और इस समय अध्यक्ष कौन थे, तो विजय राघवाचार्य अध्यक्ष थे कांग्रेस के, ठीक है। गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन ने पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने। और ये दांडी मार्च कब से चला था, 1930 से, ठीक है, 1930 को हुआ था। गांधी कहां से, साबरमती से लेकर कहां तक, तो दांडी तट तक ये यात्रा किए थे। ओके साथियों, कहता है 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी, तो पूर्ण बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी, पूर्ण बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी, 5 थी। और 3 में कांग्रेस ने मिलजुल कर सरकार बनाई थी, जैसे कि बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के साथ और पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के साथ, ठीक ना साथियों। कहता है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। और ये 1835 से लेकर क्या था, 36 तक कुछ समय के लिए ही क्या बना था, गवर्नर जनरल बना था, लेकिन इसने क्या किया, भारतीय प्रेस पर लगे हुए सभी प्रतिबंधों को हटा लिया था। कौन, चार्ल्स मेटकॉफ, याद रखिएगा। ओके, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान निम्न में से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था, तो ये भूमिगत रेडियो का संचालन किया था उषा मेहता ने, लेकिन भूमिगत रेडियो रेडियो पर जो संवाद आया था वो राम मोहन लोहिया और अरुण आसफ अली का भी आया था, इसलिए इसका जवाब उपरोक्त में से सभी सही होगा। लेकिन ज्यादातर ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, उषा मेहता मिलेगा, क्या थी आपका जो है भूमिगत रेडियो। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 का स्टार्ट हुआ था, और इसी दिन 8 अगस्त 1942 की रात में ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी भारतीय सभी बड़े नेताओं को क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। कहता है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ, तो गांधी इरविन समझौता जो है कब, तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। और गांधी और इरविन को, और इन्हें दो महात्मा कहा था, किसने, दो महात्मा कहकर इसे संबोधित की थी सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। और इसके बाद जो है ये दो गांधी इरविन समझौता के बाद क्या हुआ कि गांधी जी द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग लेने किस जहाज से, एसएस राज पुताना जहाज से कहाँ पहुंचे, तो लंदन पहुंचे, लेकिन वहाँ कुछ हासिल नहीं हुआ और वो वापस आए इटली के जहाज से। जब वापस आए इटली के जहाज से, तो उन्होंने कहा मैं लंदन से खाली हाँ जरूर लौटा हूँ, लेकिन मैं भारतीय भारत के लोग का बंटाधार नहीं होने दिया हूँ, ये गांधी जी की क्या थी, कथन थी वहां से वापस लौटने के बाद। कहते हैं निम्न में से इस ग्रह के दिन या मौन एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है, तो ये है आपका मंगल, पृथ्वी का कितना है 23.5 डिग्री झुकाव है, और मंगल का कितना है 25 डिग्री का झुकाव है, ठीक है 25 डिग्री का झुकाव है, इसलिए इसे उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले वनस्पति को जीरोफाइट कहते हैं, और समुद्री जल में उगने वाले वनस्पति को क्या कहते हैं, हेलोफाइट कहते हैं साथियों। ओके, कहता है बर्मी कंचल का संबंध किससे है, तो बर्मी कंचल का संबंध है केचुआ पालन से, किससे, केचुआ पालन से। सेरीकल्चर का संबंध किससे है,
तो ये सेरी कल्चर का संबंध है रेशम कीट पालन से, और मत्स्य पालन का संबंध किससे है, तो ये है पीसी कल्चर से। किससे? पीसी कल्चर से संबंध किसका है? मत्स्य पालन का। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? तो टिहरी बांध परियोजना भागीरथी एवं विलंगना नदी के संगम पर है, और ये वर्तमान में भारत का क्या है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। क्या? भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है ना, जो कि 293 मीटर की ऊंचाई पर है। तथा भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, और अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य यूपी, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? जनसंख्या घनत्व वाला न्यूनतम राज्य अरुणाचल प्रदेश, मात्र 17 व्यक्ति रहते हैं। और अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार, कितना व्यक्ति रहता है? 1107 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सर्वाधिक जनसंख्या कम सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन है? तो यह है नागालैंड। ओके साथियों, और सबसे कम जो क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? क्षेत्रफल सबसे कम किसका है? क्षेत्रफल सबसे कम तो ये गोवा का है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, सूक्ष्म वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, ओके, और हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला में है, ठीक है। और शिमला कहाँ स्थित है? हिमाचल, हिमाचल प्रदेश में। ओके साथियों, तो उपयुक्त में से सही सभी क्या है? सही सम्मिलित है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था? देखिए, घरेलू हिंसा का मतलब क्या होता है? वैसा हिंसा जो घर परिवार के अंदर पति पिता या क्या करता है, सासुर ननद अपने बेटियों के साथ या महिलाओं के साथ करता है, उसे क्या कहते हैं? घरेलू हिंसा। और इस हिंसा के खिलाफ जो है सम्मेलन का पारित किया गया था 2005 में पारित किया गया था। विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो विश्व का जो पहले नैना यूरिया संयंत्र है ये इफको के द्वारा कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गुजरात में। इसके द्वारा CWO इफको के द्वारा, ठीक है ना, कहाँ स्टार्ट हो रहा है? गुजरात में। ओके साथियों, कहता है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता? मीराबाई चानू ने, और ये क्या जीती है? रजत पदक जीती है, ओके। और ये जहां से आती है वो राज्य अभी जल रहा है, और वो राज्य क्या है साथियों? वो राज्य आपका मणिपुर, ओके। और इन्होंने क्या है भारोत्तोलन में क्या जीता था साथियों? और निकिता जरीन जो है असम की है, और ये भी क्या जीती थी? कांस्य पदक जीती थी। किसमें? तो मुक्केबाजी में। ओके साथियों, आगे चला जाए, उम्मीद करते हैं बहुत कुछ सीख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सातवें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? सातवें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया भोपाल में। हाल ही में भारत के किस राज्य के शासित प्रदेश में लिथियम का भंडार मिला है? जम्मू कश्मीर में। लिथियम का क्या काम है? लिथियम का काम क्या है तो साथियों? अब लैपटॉप मोबाइल ये सब का बैटरी कौन बनाता है? तो लिथियम से ही बनता है, लिथियम आयन बैटरी ही सभी में लगते हैं। तो जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार मिला है। राजस्थान में क्या है साथियों? खूब से खूब तांबा है। लद्दाख में अभी किसी चीज का भंडार नहीं मिला है, लेकिन कहा जा रहा है कि लद्दाख में बर्फ के नीचे क्या दबा हुआ है? कोयला दबा हुआ है साथियों। कहता है बजट 2022-23 में केंद्र सरकार ने कितने रुपये के खर्च का लक्ष्य रखा है? तो 2022-23 में केंद्र सरकार ने 40.03 लाख रुपये का खर्च रखा है साथियों। ओके, तो 40.03 लाख को आप लोग लिख सकते हैं। कहता है फागु चौहान सिक्किम का राज्यपाल है, तो यहाँ मिलान करना है। निम्न में से कौन सा सही है? हिमाचल प्रदेश का शिव प्रताप शुक्ल है या राज विश्वनाथ? देखिए, फागु चौहान कहाँ के बने हैं? मेघालय के बने हैं। ओके, सीपी राधाकृष्णन कहाँ है? बिहार के। तो बिहार के कौन है? बिहार के ये आपके ओके, तो सही सुमेलित मात्र एक है। हिमाचल प्रदेश के कौन है? हिमाचल प्रदेश के आपके शिव प्रताप शुक्ला। ओके साथियों, और राजेंद्र विश्वनाथ अगलेकर कहाँ के है? तो ये बिहार के है। और फागु चौहान कहाँ का है? तो मेघालय का है। और फागु चौहान इससे पहले कहाँ का था? बिहार का। और सीपी राधाकृष्णन कहाँ के है? सिक्किम के। सीपी राधाकृष्णन कहाँ के हैं? सिक्किम के। द ब्लू बुक क्या है? द ब्लू बुक ए राइट जनरल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो द ब्लू बुक ए राइट जनरल पुस्तक के लेखक है अमिताभ कुमार या जेई से, तो इसका लेखक है अमिताभ कुमार ही, इसका क्या है लेखक है। फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आपको पता है कि 12वें विश्व सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? प्यूपा न्यू गिनी की, सॉरी साथियों,
प्यूपा न्यू गिनी में नहीं किया गया है। प्यूपा न्यू गिनी में तो मोदी जी को क्या मिला है, सर्वोच्च सम्मान मिला है। और ये जो आयोजन है ये कहाँ किया गया, ये किया गया है फिजी में। कहाँ किया गया है ये आयोजन, फिजी में किया गया साथियों। कहाँ किया गया, फिजी में। और यहाँ आयोजन में भाग लेने कौन गए थे, हमारे SS जयशंकर जी गए थे। ओके साथियों, कहता है किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे, ये से मिस्र के, और मिस्र का जो है ऑर्डर ऑफ नाइल सर्वोच्च सम्मान किसे मिला है, तो प्रधानमंत्री मोदी को, किसे, मोदी जी को मिला है। ठीक ना साथियों, तो ये भी याद रखिएगा। और तुर्की में हम लोग ऑपरेशन क्या चलाए हैं, तो ऑपरेशन दोस्त चलाए हैं भूकंप प्रभावित तुर्की के बचाव के लिए। यमन की राजधानी क्या है साथियों, सना है। और हॉर्मुज द्वीप पर किसका अधिकार है, अमन का अधिकार है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार मामले में भारत का कौन सा स्थान है, ग्लोबल यह स्थान कितना है, 40वां है ग्लोबल नवाचार इंडेक्स। दुनिया का सबसे पहला नोजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है, ये जो है भारत बायोटेक ने विकसित किया है। भारत बायोटेक कहाँ की कंपनी है, भारत की कंपनी है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका हैदराबाद में इन्होंने विकसित किया है। मतलब क्या होगा, नाक से दिया जाएगा ये वैक्सीन, इसलिए इसे। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसी की क्या है, तो कोविशील्ड जो है इसी की। और भारत बायोटेक की क्या थी, कोवैक्सीन जो थी वो किसकी थी, भारत बायोटेक की थी। और फाइजर मेडोरना ने सबसे पहले क्या बनाया था साथियों, तो टीका बनाया था। ओके, कहता है अगला क्वेश्चन है साथियों, कोशिका में राइबोसोम की उपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित होता है, तो कोशिका में राइबोसोम की उपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित होता है, शोषण, प्रोटीन संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट या उत्सर्जन। ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य क्या होता है, राइबोसोम की उपस्थिति में होता है। और राइबोसोम आपको जानते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, स्मूथ और सॉफ्ट। तो जो रफ होता है, रफ वाला पे क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, और जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उन रोगों को कहा जाता है, ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उसे चिरकालिक रोग कहा जाता है। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती, लेकिन प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ है, हरित लवक में। तो यहाँ हरित लवक दे दिया, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, हरित लवक हो जाएगा। इनमें से सामान्यतः किसका उपयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है, तो पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए जिसका उत्पादन किया जाता है वो है आपका क्या थी साथियों, वो है कार्बोहाइड्रेट। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ओके साथियों, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा से होता है, तो हमेशा फ्लोएम से कहाँ होगा, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे की ओर। कहाँ से होगा, ऊपर से नीचे की ओर होगा। और साथियों एक बात याद रखिएगा, ऊपर से नीचे भी होता है और कभी कभी जो है नीचे से ऊपर भी होता है। जैसे कि क्या है आपका, मूली है, मूली में ऊपर से नीचे भी होगा और नीचे से ऊपर भी होगा। लेकिन सही जवाब आपका क्या होगा, यहाँ पे किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब द्वारा। 59 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक साफ देख सकता है, तो 25 सेंटीमीटर। लेकिन कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ देख सकता है, तो 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम जहां तक आप अपने गर्लफ्रेंड को ढूंढ सकते हैं वहां तक आप देख सकते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति क्या है, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति है गैल्वोजनित्र। और विद्युत धारा को मापा किससे जाता है, तो विद्युत विभवांतर को मापा जाता है गैल्वेनोमीटर से। और विद्युत धारा को मापा जाता है धारा को एम्पियर के द्वारा मापा जाता है। विस्थापन की दर को क्या कहते हैं, विस्थापन की दर को क्या कहते हैं साथियों, तो विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ओके साथियों, अगर आपको यह डिस्कशन अच्छा लग रहा है
डिटेल डिस्कशन के साथ कराया जा रहा है। अगर आपको मजा आ रहा है तो आप वीडियो को क्या कर दीजिए, दबा के लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ओके साथियों, और अगर मजा नहीं आ रहा है तो अभी तक आप बने क्यों हैं? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, ये सब करा दिए, ये सब हो गया। एक दूसरा बार आ गया था, दो करता है। अगला क्वेश्चन है, दो कोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है उनके बीच की दूरी के, तो दो कोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपात है। निम्नलिखित में से लवण का उदाहरण क्या है साथियों? NaCl क्या है आपका? लवण है। NaCl क्या है आपका? लवण है। ओके साथियों, उसके बाद कहते हैं Mg प्लस टू में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 64 नंबर क्वेश्चन में Mg प्लस टू, मैग्नीशियम में कितना होता है? 12 होता है और प्लस टू है, यानी कि दो का त्याग कर दिया है तो बचा कितना है इसके पास? 10 बचा। कितना बचा? 10 बचा। कहता द्विबंध वाले रासायनिक बंधन में बधे परमाणु होते हैं तो द्विबंध है, तो द्विबंध में कितने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा साथियों? तो कॉमन सेंस से भी आप लगा सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में द्विबंध होगा तो कितना होगा साथियों? यानी कि कितना, अरे यार कितना होगा? 4 होगा। द्रवीभूत पेट्रोलियम का अवयव है, द्रवीभूत पेट्रोलियम का अवयव है ब्यूटेन, प्रोपेन है दोनों, और ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों तो है ही, और साथ ही साथ कभी कभी एथेन भी मिला दिया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन हम लोग क्या मारेंगे? सभी मारेंगे। क्या मानेंगे? सभी। एक 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 संयोजी यौगिक का नाम बताया जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं, ये संयोजी यौगिक क्या है? H2O। ये H2O क्या है? दोनों गुण प्रदर्शित करता है, ऑक्सीकारक गुण और अपकारक गुण दोनों। एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं? किसका उपयोग करते हैं साथियों हम एल्डिहाइड श्रेणी में? CHO का। किसका उपयोग करते हैं? CHO का उपयोग करते हैं। ओके साथियों, तो हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया है? हमारे सिद्धांत में नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये आयरलैंड से, आयरलैंड से लिया गया है, और ये किस में है? ये है आर्टिकल 36 से लेकर 50 तक में है, 51 तक में, और ये भाग किस में है साथियों? भाग 4 में। ओके, और ये क्या है? ये कानूनी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं, अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। नीति निर्देशक तत्व को लेकर हम अदालत में नहीं जा सकते, लेकिन हम मौलिक अधिकार को लेकर अदालत में जा सकते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुडुचेरी के सदस्यों को शामिल किया गया है? यह है आपका 70वां संविधान संशोधन, 70वां संविधान और 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी को शामिल किया गया था। किसमें? तो उसमें विधान परिषद बनाया गया था, और ये 70वां के द्वारा 1992 में जो है दिल्ली और पुदुचेरी को शामिल कर लिया गया वोट देने में। 61वां के द्वारा क्या है? तो आपका वोट देने का आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। सरकार की मंत्रिमंडलीय प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो मंत्रिमंडलीय प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है सामूहिक उत्तरदायित्व। मतलब क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति गड़बड़ करता है तो पूरे, अगर एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो पूरे मंत्रिमंडल को क्या देना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा। और सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? तो लोकसभा के प्रति होता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार रहते हैं? लोकसभा के। केंद्र सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? तो केंद्र सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी होता है मंत्रिमंडलीय सचिव होता है। कौन होता है? मंत्रिमंडलीय सचिव होता है। आइए साथियों आगे चलते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको यह डिस्कशन बहुत अच्छा लग रहा होगा और आपने अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अपने प्यारे प्यारे दुलारे दोस्तों के साथ शेयर कर दिया होगा। साथियों कौन सा स्थानीय सरकार का क्या है मामला नहीं है? स्थानीय सरकार का कौन मामला? सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वच्छता, उसके बाद क्या है? कानून और व्यवस्था। तो स्थानीय सरकार जो है पंचायत समिति की जो सरकार है वो कानून व्यवस्था नहीं देखती है। कानून व्यवस्था कौन सी सरकार देखती है? राज्य सरकार देखती है। ओके साथियों 74 नंबर है, विधायक तथा संसदों द्वारा ली जाने वाले शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? ये जो है तीसरी अनुसूची में वर्णित है। किसी अनुसूची में? तीसरी अनुसूची में वर्णित है। और राष्ट्रपति का किस में वर्णित है? तो राष्ट्रपति का वर्णित है आर्टिकल 60 में। ओके साथियों कहता है राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं के संरक्षण का जो है अनुच्छेद 49 में वर्णित है। किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 49 में। और ये क्या है? ये नीति निर्देशक तत्व है। और अनुच्छेद 50 में क्या है? तो अनुच्छेद 50 में वही है कि आप क्या कर सकते हैं राज्यों के साथ अच्छे संबंध, कार्यपालिका का न्यायपालिका से स्वतंत्रता किसमें? अनुच्छेद 50 में। और अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति किसमें? अनुच्छेद
51 में 48 में गौवध का निषेध है। ओके साथियों, निम्नलिखित संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान का अनुच्छेद किसमें किया गया? तो 335 में किया गया। ओके साथियों, आर्थिक नियोजन एवं अनिवार्य विलक्षण है। आर्थिक नियोजन अनिवार्य लक्षण है साथियों सामाजिक समाजवादी अर्थव्यवस्था की, और भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ओके, कथन भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है साथियों? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आएगा? वस्तुओं का परिवहन, वस्तुओं और सेवा का परिवहन किसके अंतर्गत आएगा? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तृतीय क्षेत्र को है दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र है, और सेवा क्षेत्र में अब तो दो और क्षेत्र जुड़ गए, चतुर्थक क्षेत्रक और पंचक क्षेत्रक भी इसी में जुड़ गया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान में राज्य का शहरीकरण का स्तर क्या है? वर्तमान में राज्य का शहरीकरण का स्तर है 62%। कितना है? 16.2% है साथियों। ओके साथियों, और पहले कितना था? तो 15.3% था। केंद्रीय बजट 2022-23 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताओं जिन्हें सप्तऋषि नाम दिया गया है में शामिल है। ये सप्तऋषि में कौन सा शामिल है साथियों? तो इसमें सभी शामिल है। इसमें क्या है? सभी शामिल है, मतलब क्या है? आपका सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास और वित्तीय क्षेत्र सभी शामिल। अगला क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित हिस्से में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो बिहार का जो सबसे पुराना हिस्सा है, इस तरह से आप बिहार बना लीजिए। यहाँ जो बिहार का सबसे पुराना हिस्सा है, ये नीचे का हिस्सा है, ये धारवार क्रम का चट्टान है, और धारवार क्रम के चट्टान को ही हम लोग क्या कहते हैं? खड़गपुर की पहाड़ी। तो खड़गपुर की पहाड़ी जो है भारतीय बिहार के क्या है? सबसे पुराना भाग है, और जो कि धारवार क्रम के चट्टानों से निर्मित है। और हम लोग झारखंड के साथ कुल कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? 8 जिले। उस 8 जिले में से 7-6 जिलों में यही पाया जाता है। ओके साथियों, और गंगा का मैदान सबसे नया भाग है। ओके, निम्नलिखित में से भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? भारत और श्रीलंका के मध्य जो द्वीप स्थित है, तो उस द्वीप का नाम है रामेश्वरम। क्या नाम है? रामेश्वर। और एलिफेंटा क्या है? एलिफेंटा, एलिफेंटा दर्रा है, जो कि क्या करता है? श्रीलंका के मुख्य भूमि को, श्रीलंका के मुख्य भूमि को किससे जोड़ता है साथियों? ये जाफना प्रायद्वीप से जोड़ता है, जाफना प्रायद्वीप से जोड़ता है। निकोबार जो है, ये भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और सालसेट जो है, तो सालसेट अरब सागर में स्थित है, अरब सागर में स्थित है। और इसे पुर्तगालियों से किसने छीना था? तो पुर्तगालियों से मराठा सम्राट ने छीना था। ओके साथियों, आगे आइए। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की सीमा के अंदर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। ओके, रेगुर किसका नाम है? तो रेगुर काली मिट्टी का है, पुराना नाम क्या है? रेगुर। और इसे क्या कहते हैं? स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। ओके, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थापित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? कि एक निश्चित व्यवस्थापित ताराओं का समूह जो है, इसे हम लोग कहते हैं नक्षत्र। क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं साथियों। कहता है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है आपको हमेशा हमेशा पता होगा, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है। ओके, और 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच समय का अंतर कितना होगा? तो आपको पता है कि 15 डिग्री में कितना का? 1 घंटा का अंतर होता है, तो 90, तो 90/15 लिख दीजिए, 15×90 यानी कि कितने घंटे का अंतर होगा? 6 घंटे का अंतर होगा। कोई डाउट होना नहीं चाहिए यहाँ पे। और आपको पता है कि देशांतर रेखा किसको कहते हैं? तो पृथ्वी को उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। और जो भारत का मानक देशांतर है वो कितना है? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट को भारत का मानक समान देशांतर माना जाता है। और क्यों ऐसा माना जाता है? तो किसी भी देश का मानक देशांतर जो है वो 7.5 के मल्टीपल में ही माना जाता है। और भारत का मानक देशांतर कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसको हमने ट्रिक से भी पढ़ा था मित्र पर, सॉरी आंधी में छतुरा। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? याद रखिएगा साथियों, यहाँ क्या लिखा है? नहीं है। ये जो नहीं है वो है बेंगुलवा की धारा। कौन सी धारा नहीं है? बेंगुलवा की धारा नहीं है, बाकी सभी धारा हिंद महासागर धारा है। निम्न में से कौन सी झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? आपको पता है कि ग्रेट लेक्स में
कितने झील हैं? 7-5 जिले HOMES होम्स है, ह्यूरोन, ओरेंटिलियर, मिशिगन और ईरी और सुपीरियर, जिसमें सबसे बड़ा झील कौन है? सुपीरियर। तो आपको पता है होम्स इसका ट्रिक है, इसमें बियर नहीं है, और इसमें आपको पता है कि मिशिगन एकमात्र ऐसा झील है जो कि क्या है, पूरी तरह से अमेरिका USA में स्थित है, बाकी सभी झील अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन है? मीठे पानी की झील, तो वो है आपका सुपीरियर झील। ओके, तो ये सब हम डिटेल हम ही बता सकते हैं, इतना डिटेल आपको कोई भी नहीं बताएगा। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर अगर देखे होंगे तो देख लीजिए। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है साथियों? तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है आपका पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन क्षेत्र। ओके, कहता है पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड के कारण, गलत है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्रीन हाउस में वृद्धि किससे होगा? तो CO2 की वजह से। ग्रीन हाउस क्या है? तो आपको कल भी बताए थे कि वातावरण में जैसे CO2 बढ़ेगा, तो ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के वातावरण से निकलने वाली दीर्घ किरणें इससे टकरा कर इसे फंस जाएगी और पृथ्वी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। और इसी के कॉन्सेप्ट पर नर्सरी में क्या होता है? पौधे विकसित किए जाते हैं। कार्बन डेटिंग का दृष्टिकोण से निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया? कार्बन क्रेडिट क्या है? आप जितना कार्बन का क्या कर रहे हैं, आप उत्पादन कर रहे हैं, उतना कार्बन को आप सोखिए भी। ये क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा स्टार्ट हुआ। और क्योटो शहर कहाँ है? तो कल ही बताए थे क्योटो शहर कहाँ है, जापान में है। ओके साथियों, आप लोग रोज हमारे साथ जुड़िए तभी आपको फायदा होगा, ठीक है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन के संरक्षण के लिए है, और मॉन्ट्रियल कहाँ है? तो कनाडा में स्थित है साथियों। ओके, और पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 हुआ था, रियो डी जेनेरियो हुआ था। और G8 सम्मेलन क्या है? तो G8 देशों का सम्मेलन है, लेकिन ये आप G7 हो गया क्योंकि, और इसका अभी हाल ही में सम्मेलन कहाँ हुआ? तो जर्मनी में हुआ, और इससे आठवां देश जो है रूस, वो बाहर निकल गया। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर 1987 को इसका क्या हुआ था? इसका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा ये घोषणा किया गया कि हम लोग क्या करेंगे, ओजोन का लेयर। और ओजोन कहाँ स्थित है? तो समताप मंडल में ओजोन की स्थिति है 10-30 से लेकर 50 किलोमीटर तक। ओजोन परत में का मतलब क्या है? किसमें क्या हो रहा है? धीरे धीरे ये ओजोन की परत पतली हो रही है। आइए आगे देखते हैं। कहता है राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया? राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार जो है शैक्षणिक तथा शोध संस्थान को दिया गया, वन और वन्य जीव अधिकारियों को और वन्य जीव संरक्षण को, उपयुक्त में से सभी को। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है साथियों? तो नई दिल्ली। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। कहता है इनमें से किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? इनमें से किसकी माई पिक्चर ऑफ, ये पंचायती राज व्यवस्था से किसकी ये स्थित है? माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से, महात्मा गांधी। और पंचायती राज व्यवस्था का जो चर्चा है वो किसमें है? वो है आर्टिकल 40 में। कहता है बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और विधान परिषद में कुल 75 सीटें हैं। लोकसभा में 16 सीट है, सॉरी लोकसभा में, बिहार के लोकसभा में 40 सीट है और राज्यसभा में 16 है। राज्यसभा में 16 है और ये है विधान परिषद, और ये क्या है? विधान परिषद है। ओके साथियों, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण संबंधित है? वन नीति सही है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 सही है, औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति। तो हमको लगता है शिक्षा नीति और औद्योगिक नीति छोड़कर एक और दो दोनों क्या है, एकदम सही सुमेलित है। ओके, तो क्या होगा इसका? सभी चारों हो जाएगा, अभी सभी चारों हो जाएगा। ओके, क्योंकि में से कौन सा कृत्रिम वनस्पति एक तंत्र है? कृत्रिम वनस्पति तंत्र क्या है? तो जहां पर क्या हो, मानव द्वारा वनस्पति का विकास हुआ, वो कौन है आपका? तो घास का मैदान। क्या है? घास का मैदान है। ओके, ओ माय गॉड, कृत्रिम वनस्पति तंत्र बोल रहा है, कृत्रिम। ये तो मानव, ये तो क्या है, कृत्रिम नहीं है। बहुत बड़ा मिस्टेक हो रहा था साथियों, यहाँ आंसर गलत दिया होगा हमें जैसा लगता है। कृत्रिम क्या है? तो आपका कृत्रिम है आपका धान का खेत, क्योंकि धान का खेत मानव के द्वारा लगाया गया है पारिस्थितिकी
अस्थाई मित्रव्यता है, इस किस आंदोलन का नारा है, तो परिस्थिति की अस्थाई मित्रव्यता है यह किस आंदोलन का नारा है साथियों, ये नारा है चिपको आंदोलन का। और चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, तो चिपको आंदोलन के नेता थे सुंदर लाल बहुगुना, अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई। और नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता थी आपकी कौन, ये भी आपको पूरा अच्छे से पते है, नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता थी आपकी मेधा पाटेकर, मेधा पाटेकर नेता थी इसकी, ठीक है ना साथियों। आइए अब हम लोग मैथ का तेजी से मैथ का आंसर करते हैं। और एक बात याद रखिए, जितना डिटेल डिस्कशन से आपको सर्वेस क्लासेज केजीजी पर कराया जाता है, इतना डिटेल डिस्कशन आपको इतना डिटेल डिस्कशन और इतना अच्छे से आपको YouTube पर कहीं भी डिस्कशन नहीं कराया जाएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति खुद पढ़ा नहीं है, सिर्फ YouTube चैनल बनाकर आपको डिस्कशन कराने के लिए उपस्थित हो जाता है, जिसके द्वारा कि आपको बेहतर डिस्कशन नहीं कराया जा सकता। ओके, बेहतर डिस्कशन करने के लिए आपको हमारे साथ बेहतर रूप से जुड़ना ही होगा साथियों। ओके, आइए अगला सवाल है हमारा, अभी 5 पे पावर 5/9 में पावर x-3 और 81/25 में पावर 5x-3, ये 81/25 इसको हम लोग पलट देंगे, इसको हम 5/9 पे पावर क्या लिख सकते हैं, तो x/x-3 लिख सकते हैं, बराबर इसको 9/5 पे पावर हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 x-6 लिख सकते हो। ओके साथियों, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, पलटेंगे, जैसे ही पलटेंगे तो आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा, 5/9 पे पावर x/3 बराबर, इसको भी हम लोग पलट देते तो 5/9 पे पावर यहाँ -2 हो जाएगा, -2 x-3। और उसके बाद इसको हम लोग आराम से सॉल्व कर देंगे, कैसे करेंगे, यहाँ लिख देंगे x माइनस कितना है 3 बराबर 2 -2 x-6, और इसको सॉल्व करना है तो 2 x-2x और -2 -+12, तो 12 + 3, 12 + 3 कितना हो जाएगा 15, और यहाँ x-2x - x बराबर कितना आ जाएगा 15, -x बराबर कितना आ जाएगा 15, अच्छा इधर -2x है, इधर आएगा तो +2x हो जाएगा, 3x बराबर 15 होगा, तो x का मान कितना आएगा 5 आएगा, x का मान कितना आएगा 5, 4 10 और 15 द्वारा विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसके लिए तो आपको कुछ नहीं करना है, 4 10 और 15 का लॉस निकाल लीजिए, इसका लॉस कितना आएगा 4 10 और 15 का लॉस कितना आ रहा है 60 आ रहा है। अब देखिए यहाँ 60 से किसको विभाजित किया जा सकता है, आप जब जैसे ही 60 से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 9 9 9 9, इसको 60 से भाग कीजिए और जो कट जाएगा और जो वही आपका क्या आएगा सही जवाब आएगा, और यहाँ सही जवाब क्या है तो 99 60 है, आप ऑप्शन में भी भाग कर सकते हो। ओम प्रकाश ने 1600 रुपये में एक मोबाइल खरीदा और बाद में इसे 20,000 रुपये में बेच दिया, इस प्रकार ओम प्रकाश को कितना लाभ प्राप्त हुआ, 16,000 में खरीदा 20,000 में बेचा, कितना का लाभ हुआ 4,000 का, किस पे लाभ हुआ 16,000 पे। ओके, तो 3 0 से 3 0 कट गया, 4 × 16 और यहाँ 100 है, 100 × 25 25 × 100 यानी कितना का लाभ हुआ 25% का लाभ हुआ। ओके साथियों, अगला सवाल देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 540 रुपया और 4 वर्ष में 900 रुपया हो जाता है, यानी कि 2 वर्ष का ब्याज कितना है तो 900 - 540, तो घटा दीजिए कितना होगा 0 0 10 में 4 गया 6 और यहाँ बच गया 8 8 में 5 गया 3, 360 रुपया, 2 वर्ष का जो है, 2 वर्ष का SI कितना निकल गया, SI निकल गया 360, टाइम दिया हुआ 2 ईयर्स, उसके बाद P का मान पते है 540 और R का मान आपको क्या करना है निकाल लेना है, R बराबर क्या होता है आपको फॉर्मूला पता है, SI यानी कि 360 × 100 अब बटे P का मान 540 × 2, अब इसको काट देना है 18 18 18 36 54 तो 30 20, 0 0 कट दीजिए और अब क्या है यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया 3, अब 3 × 2 = 6 और बटे क्या होगा 6 × 1 × 2 = 200, 6 × 200 अब इसको कितना करना है सॉल्व करना है साथियों,
जब आप इसको पूरी तरह से सॉल्व कीजिएगा। अच्छा क्या पूछ रहा है, तो मूलधन ज्ञात करें। अरे यार हम तो रेट ज्ञात करने लगे, वही तो सोचे यहाँ तो कोई रेट वैसा दिया ही नहीं है ऑप्शन में, हमें तो मतलब क्या है रेट ज्ञात करने लगे, यहाँ मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन तो ईजी है ना कि आप 900 में से क्या कीजिए 540 घटा दीजिए तो कितना आएगा 360, और 840 में से 540 में से आप 360 घटा दीजिए तो आपका मूलधन कितना आएगा 180 रुपया। कहता है 18 माइनस 2 रूट 77, 2 रूट 77 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 11 गुना रूट 7 लिख सकते हैं, ओके। और 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 18 को हम लोग लिख सकते हैं रूट 11 प्लस 7, ओके। हम माइनस 2 रूट 11 इंटू रूट 7, फार्मूला क्या आ गया ए प्लस बी इंटू ए बी, ओके। अब क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 11 रूट 11 माइनस रूट 7 का स्क्वायर रूट अंदर, तो ये क्या होगा स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या रूट 11 माइनस रूट 7, रूट 11 माइनस रूट 7 यहाँ आंसर है, तो यही हमारा क्या होगा सही जवाब होगा, ओके। दिए गए व्यंजकों का गुणनखंड निकालिए, गुणनखंड क्या है बीच वाला तोड़ना है और ये क्या है दोनों 48 एक्स स्क्वायर लाना है, तो 8 × 6 = 48 आ जाएगा और दोनों का अंतर 6 आ जाएगा, 8 और 6 होगा, ये तो फिक्स है। लेकिन अब ये देखना है कि प्लस 8 होगा कि माइनस 8, एक्स माइनस 8 और एक्स प्लस 6, एक माइनस होगा और ये माइनस है और ये प्लस होगा क्योंकि इसमें से इसको घटाना है 2 लाना है, ओके साथियों। प्रत्येक बाह्य कोण प्रत्येक आंतरिक कोण का 2/3 है, प्रत्येक बाह्य कोण प्रत्येक आंतरिक कोण का 2/3 है, माना कि प्रत्येक आंतरिक कोण कितना है या बाह्य कोण प्लस आंतरिक कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। हम लोग लिख सकते हैं मान लीजिए x है, दूसरा क्या होगा प्रत्येक बाह्य कोण आंतरिक कोण का 2/3 है, तो 2/3 का मतलब क्या है x गुना 2/3, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा 2x/3 और यहाँ x क्या जाएगा 3x + 2x = 3, 5x बराबर कितना हो जाएगा साथियों, 5x बराबर हो जाएगा 180, x का मान कितना आ जाएगा 36, x का मान आ जाएगा 36, तो कहता है भुजाओं की संख्या कितनी है, तो 360/36, भुजाओं की संख्या 360/36 यानी कि कितना आ जाएगा भुजाओं की संख्या 360/36 जैसे हम जानते हैं जैसे दिया है बुक में वैसे नहीं, आप एगो एक्स मानिएगा तो एगो क्या होगा 2x/3, दोनों को जोड़िएगा एलसीएम कितना आएगा 3, तो 3x + 2x बराबर कितना हो जाएगा साथियों 3 हो जाएगा, ओके 180 हो जाएगा, 180 गुना 3 कर दीजिए कितना आ जाएगा 18 × 54/5x, 5 से भाग कर दीजिए 5 से कितना और 5 × 5 = 0, 5 × 8 = 40 और 360/108 तबार में कटेगा 5 बार में कटना चाहिए, ओके। कहता है इतना का कौन सा भिन्न सबसे छोटी भिन्न है, यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर करके चेक करना है, जब आप चेक कीजिएगा तो आपका क्या आएगा 2/10 सबसे छोटा आएगा, और नहीं तो आप एसेंडिंग डिसेंडिंग जानवे करते हैं, आदि ए बराबर 1/5 और बी और बी बराबर 1/8 सी, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ए अनुपात बी बराबर कितना आ जाएगा, तो ए अनुपात बी बराबर 1/5 और बी अनुपात सी बराबर क्या आ जाएगा 1/8 आ जाएगा, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1/5 और 1/8, अब यहाँ एक छूट गया यहाँ 5, 8 × 5 = 40, यहाँ 5 × 5 = 0, यहाँ 1 × 1 = 1, अब पूछ क्या रहा है 1/C 1/5 × 5 = 40 सही जवाब, ओके साथियों। अगला देखिए, यदि x एक सम पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम पूर्णांक है, x एक सम पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक क्या होगा साथियों 3x² + 5, जैसे इसमें क्या जुड़ गया विषम जुड़ गया तो ये विषम हो गया, एक कक्षा में 14 विद्यार्थियों का औसत वजन 40 किग्रा है, तो है जब एक छात्र कक्षा छोड़ देता है तो कक्षा का औसत वजन 2 किग्रा कम हो जाता है, 14 × 14 = 56 किलो है, कहता है 560 किलो है साथियों, ओके। और कहता है एक जब एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है तब कितना बच गया
13 और 2 की ग्राह कम हो गया था, 40 से घट के कितना हो गया 38, तो 38 गुना 13 कीजिएगा तो कितना आएगा साथियों, 494 आएगा। तो 560 माइनस 494, तो एक छात्र का वजन निकल जाएगा तो कितना होगा 66 किलो। उसे एक छात्र का वजन कितना था 66 किलो। दिए गए विकल्प में सो शब्द का चयन किए जिसे दिए गए शब्द के अक्षर का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ये है आपका क्या चीज, सी आर ई डी ई ए टी ओ क्रेडिटो, क्योंकि सी है तो सी है, देख लीजिए आर है तो आर भी है, ई है तो ई है ही नहीं, यहाँ ई नहीं है तो ई शब्द कैसे बनेगा, इसलिए ये नहीं बनेगा। महेश का जन्मदिन सोमवार को 22 जून को है, महेश का जन्मदिन कब है, सोमवार को 22 जून को है, उसी तो उसी वर्ष में सप्ताह के किस दिन रमेश का जन्मदिन होगा, आदि रमेश का जन्मदिन 17 दिसंबर को है, कब है 17 दिसंबर को है, तो महेश का जन्मदिन 29 जून सोमवार को है और रमेश का 17 दिसंबर, इस प्रकार दिनों की कुल लंबाई कुल कितना है, तो जून में कितना बच गया एक दिन बच गया, जुलाई में कितना हो गया 31 प्लस अगस्त में 31 बच जाएगा, उसके बाद सितंबर में 30, उसके बाद अक्टूबर में 31 और उसके बाद नवंबर में 30 और उसके बाद दिसंबर में 17, टोटल जोड़ेंगे 171 दिन होगा, 7 से क्या करेंगे भाग कर देंगे, जब 7 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा। इस प्रकार जो महेश का दिन होगा क्या होगा, तो इसका दिन क्या था सोमवार प्लस 3, सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तब गुरुवार, तीसरा दिन क्या होगा गुरुवार होगा। ओके साथियों, अगला है आपका श्वेता दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर जाती है, किधर जाती है दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर जाती है, फिर क्या करती है इधर बाएं मूर्ति 7 किलोमीटर जाती है, 5-7 और फिर कहता है दक्षिण की, फिर दाएं बाएं मूर्ति कितना जाती है 7 किलोमीटर, फिर कितना जाती है 8 किलोमीटर, फिर कितना जाती है, फिर जाती है साथियों आपका 8 किलोमीटर, फिर कितना जाती है 8 किलोमीटर जाती है, तो टोटल इसका दूरी यहां से यहां तक का कितना है ये हमको निकालना है, तो कहता है 25 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर, कहाँ गई है 25 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर चली गई है। ओके, अतः आदि प्लस का अर्थ उसको आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा उसमें हर जगह। ओके साथियों, आदि प्लस का अर्थ क्या है माइनस है, प्लस का अर्थ क्या है माइनस है, माइनस का अर्थ तो ये यहाँ पर 28 प्लस, प्लस की जगह पर क्या है माइनस, 28 माइनस इतना, और गुना का अर्थ क्या है, तो गुना का अर्थ है साथियों जोर, तो जोर कर दीजिए, और कहता है माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ है शायद भाग, भाग कर दीजिए, और प्लस का अर्थ क्या है, तो प्लस का अर्थ है गुना, गुना का इसको सॉल्व कर दीजिए, 11-7 कितना हो जाएगा 18, अगर 11-7 = 8 18 हो जाएगा, 18 में 9 से भाग कीजिएगा 2 आ जाएगा, तो पूरा 2 आया और 2 × 5 = 10 और 10 = 28 में 10 घटेगा कितना होगा 18 होगा। ओके साथियों, कहता है 39 छात्रों की कक्षा में राजू रूपेश से 7 स्थान आगे है और आदि रूपेश का स्थान अंतिम से 17वां है, रूपेश का स्थान क्या है 39 छात्रों के कक्षा में राजू रूपेश से 7 आगे है, कितने से रूपेश से कितना आगे है, रूपेश से 7 स्थान आगे है। ओके, आदि रूपेश का स्थान अंतिम से 17वां है, अंतिम से कितना है 17वां है, तब आरंभ से राजू का स्थान कितना और 7 आगे है, कितना है 7 आगे, रूपेश से 7 स्थान आगे है, आगे का मतलब क्या है ऊपर होगा 7, तो 17 + 7 कितना हो जाएगा 17, या डायरेक्ट भी हम लोग बना सकते 17 + 7 कर देंगे 6 कर देंगे तो आ जाएगा 23वां स्थान, या फिर हम डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो 39 - 17 + 1 कर देंगे तो भी हमारा आ जाएगा सही जवाब 23वां स्थान किसका, और 23 से 7 घटा देंगे तो 16वां स्थान किसका आ जाएगा आपका राजू का। दिए गए अक्षर में से कौन सा शब्द होगा ए पी, पी के बाद हमेशा ए आता है तो ए आएगा, चलो ए तीनों में है, उसके बाद क्या है साथियों, उसके बाद टी टी के बाद क्या आता है टी टी, पी के बाद टी के बाद टी के बाद टी टी ई, टी टी ई, टी टी ई, टी टी, टी टी ई, ठीक है टी टी ई, उसके बाद ई के बाद क्या आता है पी आर, आर के बाद एन, आर के बाद क्या आता है आर के बाद एन, ये हमारा सही जवाब क्या होगा। दिए गए प्रश्नों में लूप संख्या ज्ञात कीजिए, भर दे इसको पूरा, देखिए क्या होगा पी ए टी टी उसके बाद ई आर, फिर क्या है टी टी फिर ई आर फिर एन फिर पी ए टी टी ई आर एन। ओके,
आपका ये कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 21 है, इसको 7 किया है, किसके रूप में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ तक एक है, फिर यहाँ तक एक है, ऐसे तोड़ना है, ठीक ना साथी। आइए अगला चलते हैं, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है, ओके। तो लुप्त संख्या कैसे ज्ञात करें, 100, 625, 35, 36, ये किसका, 10 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर कितना हुआ, 10 और 25 35, 6 प्लस 15, 15 छः, 15 छः, 15 छः, 5 कितना होता है, 11, यहाँ कितना आएगा, 21, सही जवाब क्या होगा, 21, ओके साथियों। कहता है उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो दिए गए स्थानों को भरेगा और श्रृंखला को पूरा करेगा, तो ए भी है तो -5 और फिर -7, फिर ए भी से -5, -7, फिर क्या है, यहां से देखिए, यहां से क्या हो रहा है -5, फिर यहां से क्या हो रहा है -7, फिर क्या हो जाएगा -9, और फिर क्या होगा -11, एफ से -11 होगा तो क्या होगा, यू आएगा, क्या आएगा, यू, और यू ए है, उसके बाद ई से कितना हो रहा है, ई से हो रहा है +4, फिर +6, फिर +6 के बाद कितना हो रहा है 8, फिर 8 के बाद कितना होगा +10, जब से 10 होगा तो हमारा जवाब क्या आ जाएगा, यू जी आ जाएगा। दी गई अंक श्रृंखलाओं में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो लुप्त संख्या क्या है इसमें आपका, देखिए 1275 में किससे भाग किए, कि आया 260 भागा 5 प्लस 5 भागा 4 प्लस 4, फिर क्या किए भागा 5 प्लस 5 फिर भागा 4 प्लस 4 फिर भागा 3 प्लस 3, इस तरह से इसका सही जवाब कितना आएगा, 16। आपको साथियों पूरा का पूरा डिटेल डिस्कशन कराया गया किसका, ये जो था मॉडल सेट 2 का। अब हम लोग सेट 3 के साथ जल्द ही हाजिर होंगे, तब तक आप लोग क्या कीजिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, सर्वेस क्लासेज KG से, एडुटेरिया BPSC शिक्षक भर्ती का। ये मॉडल सेट कितना था, ये मॉडल सेट 42 था, ओके साथियों। अब सेट नंबर 3 आपको जल्द ही मिलेगा, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। वंदे मातरम, राधे राधे, जय हिंद।